थाना लाइन पर पुलिस ने एसडीएम और तहसीलदार के निर्देशन पर अवैध खनन करने वाले 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। लाइन पर पुलिस ने अवैध खनन करने वाले 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें एसडीएम और जिलाधिकारी के निर्देशन पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध खनन, बालू के खनन को काफ़ी समय से शासन ने रोक लगाई है। अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ खनन माफिया इस तरह के खनन करने से बाज नहीं आ रहे। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 जेसीबी मशीन, यानी कि 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है, और पुलिस ने हिदायत दी है कि ऐसे लोग जो कि खनन करने में माहिर हैं, खनन करने से बाज नहीं आ रहे, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। थाना लाइन पर पुलिस ने अवैध खनन करने वाले 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें एसडीएम और जिलाधिकारी के निर्देशन पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध खनन, बालू के खनन को काफ़ी समय से शासन ने रोक लगाई है। अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ खनन माफिया इस तरह के खनन करने से बाज नहीं आ रहे। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 जेसीबी मशीन, यानी कि 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है, और पुलिस ने हिदायत दी है कि ऐसे लोग जो कि खनन करने में माहिर हैं, खनन करने से बाज नहीं आ रहे, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज ट्रैक्टर और जेसीबी पकड़े गए हैं, किस तरह पर कार्रवाई की गई थी और किस तरह की सूचना थी? सूचना फोन द्वारा दी गई। सर, कहाँ से इनको पकड़ा गया है और क्या अपनी जांच में पाया गया? हमारी जांच में तो ये प्रशासन के द्वारा जो परिवहन कर वो वैध है। सरकार ने कब तक के लाइसेंस जारी किए थे और ये कब से ये चला है यहाँ? देखिए, क्या है, भंडारण बंद था 1 तारीख से, उसके बाद ये भंडारण स्थल से ही प्रपसी द्वारा परिवहन कर सकते। आपकी जांच में क्या पाया गया कि क्या ये खनन बिल्कुल पूरी तरह से वैध था या अवैध? इसमें भंडारण स्थल से ट्रैक्टर निर्गत किया गया वहाँ से बस जी द्वारा, तो ये वैध है। देखिए, इसमें हम लोग, मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा कल एक विज़िट की गई थी। हम लोग यमुना खदर एरिया में गए थे, हमें यही सुनिश्चित करना था कि कहीं पे अवैध रूप से कोई खदान तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि 30 जून तक ही जो माइनिंग थी वो अलाउड थी, और 30 जून के बियॉन्ड में कोई भी खनन अवैध की श्रेणी में है। तो उसमें हम लोगों ने SO लाइन पार को निर्देशित भी किया था कि अगर ऐसी कोई चीज़ें नज़र आती हैं तो आप उसमें तात्कालिक रूप से प्रभावी कार्रवाई करें। तो उसी क्रम में SO के द्वारा में ये जब्तीकरण किया गया है, और जिन्होंने भी किया है उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।